क्या जोमेटो और स्विगी एक तरह की कुरियर सर्विस है? टेक्निकली सोचे तो है, शायद नहीं, मे बी हो भी सकती है, लेकिन आरजे सर मुझे क्या मतलब है कुरियर सर्विस है या नहीं, आप पिज्जा खाओ ना। तेरे जवाब और जो तूने अभी ये खाना मंगाया ना, उसके बिल अमाउंट में बहुत बड़ा लिंक है। गलत जवाब दिया तो वो खाना हो जाएगा महंगा। है वो कैसे? तो देख, सबसे पहले तो जितने रुपए का ऑर्डर है जोमेटो स्विगी को उस पर देना होता है 5% जीएसटी, वो भी डिस्काउंटेड अमाउंट से पहले। मतलब अगर 1000 का ऑर्डर है, डिस्काउंट के बाद 800, तो जीएसटी पूरे 1000 पर लगेगा। अब सरकार ये चाहती है कि ये ऐप जो डिलीवरी चार्जेस आपसे कलेक्ट कर रही है उस पर भी 18% टैक्स दे, क्योंकि टेक्निकली ये कुरियर सर्विस हुई। लेकिन जोमेटो स्विगी ये बोल रहे हैं कि वो ये डिलीवरी चार्जेस खुद रखते ही नहीं है, बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड चूंकि डिलीवरी पार्टनर्स की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें जीएसटी पे ही नहीं करना। अब सरकार बोलती ना भाई ना, इसमें तो सरकार का नुकसान हो रहा है। उन्होंने 750 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड निकाल दिया है जोमेटो और स्विगी पर। अभी ऐप 750 करोड़ देगी या सरकार मानेगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन आगे से तो ये वाला टैक्स आपको ही देना है। अगर थोड़ी गणित करें तो 1000 रुपए का जो आप खाना ऑनलाइन मंगाते हो ना, उस पे अप टू 40% तो टैक्सेस में ही चला जाता है। मम्मी रात को दाल चावल बना देना, पिज्जा कैंसिल।